नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा पांच न्यू खतरनाक एयरड्रॉप जिससे फ्री में 500 से 1100 डॉलर तक का प्रॉफिट होगा। बस वीडियो को पूरी देखना जिससे आपको समझ में आ सके प्लस आप अर्निंग कर सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन का आइकन उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या प्रॉफिट होगा, इसमें कोई भी लूट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आगाज पहुँच जाए। मैं पाँच दस मिनट इसलिए वेट कर पता है जो भी लूट आ हमारे चैनल पर आती है जो कोई दे नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर रहा हो तो आपका लॉस होने वाला है। और यदि हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने क्या करना पड़ेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में कैंसर LOOTLOOTMONEF यहाँ पर क्लिक कर दो। फिर अपनी ज्वाइन को ऑप्शन आएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाना। यदि हमें टेलीग्राम चैनल पर तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट करो। उसके बाद जैसे आप पता है जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल बता दो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 4 से 5 दिन के अंदर आपका किस किस का पेमेंट, किस किस की आपकी गुड न्यूज आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे गुड न्यूज आ जाती है यहाँ पे टर्नोवा वॉलेट की, जो मैंने आपको यहाँ पे कम से कम एक साल के समथिंग या एक साल प्लस हो गए, बहुत सारे लोगों के पास NFT पड़ी है। तो वो आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो कि जो आपकी टेस्टनेट की NFT वो यहाँ पे मेन नेट में नेक्स्ट मतलब एंड ऑफ सेप्टेम्बर नेक्स्ट मंथ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकेंड आ गया डिस्ट्रप्टेड टोकन का, जिसने भी यहाँ पे करा था सब यूज़र को यहाँ पे टोकन मिले हैं, चेक कर लेना अपना EZLD वॉलेट, ठीक है, जो मेयर वॉलेट है ना वो चेक करना। उसके बाद आपका आगे कूकन का, बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो भाई सीरियसली ले लेना, जो लेगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे फ्यूचर बोनस मिलेगा, तो भाई अभी मेरे हिसाब से 90% स्पॉट का मिलेगा, बाकी देखते हैं फ्यूचर बोनस मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको हम मतलब प्रॉफिट करके उसको भी हम स्पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम बेटो $10 है ओनली, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है पाई का, जिसने भी यहाँ पाई मैंने बोला था भाई मरने वाला है पाई, तो भाई मर ही रहा है भाई पाई, धीरे धीरे करके मर ही रहा है, ठीक है। और भाई ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक 0.1 नेक्स्ट मंथ के एंड तक $0.1 तक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे अर्ली में सेल कर दिया था बहुत ही अच्छा है अवेलेबल वाले के लिए, और जिनकी KYC नहीं हुई तो मेरी तरह, तो भाई मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी खुद ही KYC नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट आ गया यहाँ पे हेल्थ ब्लॉक्स का, जो यहाँ पे लिस्टेड होने वाला है Q3, इन्होंने बोला है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डिले लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि Q4 के एंड तक यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने यहाँ पे अर्निंग करनी है डेली 200-500 टोकन इजीली अर्न हो जाते हैं, तो भाई इजीली अर्न कर लेना। और उसके बाद आपका यहाँ पे कुसामा का बहुत लॉन्ग टाइम मतलब अप्रोक्स एक साल हो गए, और आज नहीं 2-5 दिन पहले लिस्टेड हो गया, और इसकी फ्लोर प्राइस $50 के अप्रोक्स चल रही है। बस आप लिस्टेड कर दो $200-500 में, जब हाइप आएगी 2-4 महीने बाद ऑटोमेटिक आपकी NFT सेल हो जाएगी, क्योंकि कुसामा की खुद की ऑफिशियल NFT है ये। इसलिए कम में मत सेल करना, क्योंकि इतने साल वेट करा तो थोड़ा बहुत और वेट कर लो। उसके लास्ट ड्रीम, बहुत मैं क्योंकि 1-2 महीने में यहाँ पर ड्रीम की फोटो देता रहता हूँ, भाई मज़ा आ जाता है, कदम से दिल खुश हो जाता है ड्रीम की फोटो देखे, ठीक है। तो भाई इतने सारे प्रूफ आते हैं, लाइक आते हैं 1400-1500 लाइक या टारगेट कंप्लीट कर दिया करो, क्या जाता है, इतने तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट देता हूँ आपको, इससे फ्यूचर प्रॉफिट। और जो ही वो कमेंट करता है ना कि भैया आप लिखते हो $500-1100 और मिलते $5-10, भाई मुझे पता 5 से 10 डॉलर कहाँ मिल रहे हैं, वो छोटा मोटा कैंपेन है यार। आप यदि पेशेंस नहीं है तो बोलते रह जाओगे, और उनके जो लाइक करते हैं उनके भैया बंधु वो भी भैया लाइक करते रह जाएंगे, भैया यदि $5-10 मिल रहे हैं तो इससे अच्छा आप पेटीएम लूट करो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो, सिंपल सी बात है भैया। आपको यहाँ पे मेन चीज़ ये है, सब एयर ड्रॉप करने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, जब भी आपको मोटा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं डेली आपको यहाँ पे प्रूफ देता हूँ भैया कि ये आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली, ये प्रूफ, ये आ गया पेमेंट, वो आ गया, ठीक है। तो बस पेशेंस रखना पड़ेगा, और कौन सा जिसके पास पेशेंस नहीं है वो यहाँ पे कमेंट करते रह जाएगा, ठीक है। अब आती है फर्स्ट एयर ड्रॉप की बारी, और अगेन बता रहा हूँ कोई भी मिस मत करना, कोई भी एयर ड्रॉप फोकस करोगे वो यहाँ फ़ायदा उठा ले जाएगा भाइयों। फर्स्ट में आपको मैं 2 एयर ड्रॉप बताना है। सबसे पहले आ रहा है जो आ रहा है सोफर की तरह से, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एट दी एंड मतलब 5th के सेकंड में बताया था, ठीक है। लेकिन आज फर्स्ट पे कर रहा हूँ, क्योंकि तगड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कल रिसर्च करी थी, इसलिए मैं आपको इसको फर्स्ट पे बता रहा हूँ, और मिस मत कर देना, बस इतना ही कहना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मार्शियन वॉलेट होगा, तो वो आपको पता है कि भैया हर वीक यहाँ पे रीसेट होता है उसकी फ्रेज की, तो उससे मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फेचा वॉलेट को, फेचा वॉलेट का एक्सटेंशन करना पड़ेगा आपको ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करना है, सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आना पेस्ट करना, उसके यहाँ पे यदि यहाँ पे बोल रहा है नॉट कंपैटिबल तो यहाँ पे आप कीवी ब्राउज़र आपको यूज़ करना है। ऐसे मैं यहाँ पे कीवी ब्राउज़र में कर लेता हूँ,
यदि आपके ये इंडेक्स में नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको डेस्कटॉप मोड पे करना, उसके यहाँ पे ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू वॉलेट क्रिएट कर लेना है, आपको ओल्ड फ्रेज की यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करनी, आपको यहाँ पे न्यू वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे न्यू वॉलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, आपको बताऊँगा नहीं क्या कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होती है। जैसे कि ये इंडेक्स में मेरे काम नहीं करा तो मैंने यहाँ पे की में ऐड कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना, मैं बताऊंगा नहीं कैसे बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप मेटामास्क बनाते हो वैसे सिंपल है, उसके बाद थ्रीलाइन पे क्लिक करना, फोसेट टोकन लेना, 3 से 5 बार क्लिक करिए, जिससे आपके यहाँ पे ज़्यादा टोकन हो सके और यहाँ पे आप टास्क कर सको सारे। यदि खत्म हो जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अनलिमिटेड ले सकते हो टोकन, ठीक है। अब यहाँ पे टोकन लेने के बाद आप क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको आना इस वाली वेबसाइट पर, और आपको जो भी यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो आपको अब से करना है फेचा एक्सटेंशन पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो मार्शियन वॉलेट एक्सटेंशन है वो यहाँ पे हर वीक रीसेट होता है, तो पता नहीं भैया यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे हर जो भी आपको यहाँ पे आता है, कोई भी टेस्ट नेट आता है, कोई प्रोग्राम आता है, आपको करना है फेचा से, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ेगी, अब करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक करना, फेचा बोर्ड पे क्लिक करना, कंफर्मेशन आएगी, आपको यहाँ पे इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गिफ्ट का सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉसेट टोकन तो हमने ऑलरेडी ले लिए, ठीक है। अब आप करना है मिंट सोफल देवनेट 0/5, ठीक है। इस पर क्लिक करना, उसे कन्फर्म पे क्लिक कर देना, उसके बाद आप हो जाओगे। उसके बाद दोबारा बेकॉप पे क्लिक करना, ठीक है। बेकॉप पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपके यहाँ NFT मिंट हो जाएगी, ठीक है। ये तीन काम कर लेना आप, ये जो है ना ये 1/5, ठीक है, ये आप 5 बार कर सकते हो दिन में, तो यहाँ पे आप कर लेना 2-5 बार कर लेना, मतलब सारे के सारे बार कर लेना, ठीक है। तो आपको ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको और करके नहीं बता रहा। मेन टास्क क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोल रहा है, इनको थोड़ी बहुत इन्फो देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 तरीके के टास्क मिलेंगे, एक तो डेली टास्क है जो आप कर लोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, ट्विटर फॉलो करना है और कोड ट्यूट करना है, इससे आपको यहाँ 1200 पॉइंट मिल जाएंगे एक ही बार में। उसके यहाँ पर इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और OG रोल मिलने के बाद आपको यहाँ 500 पॉइंट और मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ये तो एक बार का टास्क है, ठीक है। और आपको डेली की टास्क आपको यहाँ पर हर मतलब 5:30 AM IST टाइम के हिसाब से हर 5:30 AM मतलब रिफ्रेश होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना, बस आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, और गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले NFT बाय करनी है, ठीक है। NFT बाय कैसे करनी पड़ेगी, सिंपल है बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे NFT अमाउंट दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये वाले NFT का अमाउंट है उसको बाय करना है, जिसके NFT का अमाउंट नहीं दे रखा है उसको बाय मत करना, ठीक है। अब जैसे कि ये वाले NFT का अमाउंट है 1000, तो यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, फेचा पे क्लिक करता हूँ, एक कन्फर्मेशन आएगी मेरे उसमें, उसके फिर मैं इसको कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। यदि नहीं होता कन्फर्म तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे करना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे मिनिमम बाय करनी पड़ेगी 5 NFT हर रोज, जिससे आपको यहाँ पे डेली के डेली टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब जैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 NFT बाय कर ली, जो अमाउंट दे रखा है वही वाले NFT बाय करना है। और यदि आप 1 NFT बाय कर लोगे, उसके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, उसके यहाँ पे आपका 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कर करके आपको यहाँ पे 5 बार टास्क करना है, 5 बार टास्क कर लोगे, सिंपल है, बताने जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ऐसे आपको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो इसको यहाँ पे डेस्कटॉप कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद अब देखो यहाँ पे मेरे 10 पॉइंट आ गए, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 बार NFT बाय कर लेना है, बताऊंगा नहीं, सेम टू सेम जैसे मैंने 1 NFT बाय करी वैसे आपको 5 बार करना है। उसका लिस्ट कैसे करना पड़ेगा, जो आपने 5 NFT बाय करी उसको यहाँ पे लिस्ट कर दो, कितनी प्राइस में, 2000, 5000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके करने बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है, सेला सोफल देवनेट इनक्रीडर, जो आपके NFT यहाँ पे लिस्ट करोगे वो यहाँ पे सेल हो जाती है, तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डेली डेली यहाँ पे 150 पॉइंट इजीली आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे 150 पॉइंट आपके हो गए, और ये वन टाइम टास्क भी आप कर लेना है, ठीक है। 150 पॉइंट होने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे डेली सप्लाई पे क्लिक करना है, गेट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद हर यदि आपके यहाँ पे 30 पॉइंट हो जाएंगे, 30 पॉइंट होने के बाद यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है, गेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन 5 इनक्रीडेंस में से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 NFT यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। 1 NFT मिलने के बाद यदि आप 5 कलेक्ट कर लोगे, 5 के 5 तो आपको यहाँ पे 1 खुद इनका एक इनकी यहाँ पे साफ साफ बोला गया, कंज्यूम 5 NFT टू बेक सोल 3 NFT, ठीक है। मतलब आप कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे 30 पॉइंट में 1 NFT ग्रैप करने का ऑप्शन आएगा, और यदि 30 की मतलब आपको इजीली 2-5 दिन में आपको जाएंगे, नहीं तो फिर आज में हो जाएंगे। और जैसे आपको यहाँ 5 के 5 NFT मिल गई, उसके यहाँ पे बेक पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे ये मेन वाली NFT आपको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि मेन वाली NFT मिल जाए तो नहीं करो, मेन वाली NFT मिल जाए उसके बाद आपको डिस्काउंट रोल मिल जाएगा, उनसे डिस्काउंट रोल ले लेना,
डिस्कॉर्ड में जाके उसके बाद ये मिल गया, बेक कर लिया, डिस्कॉर्ड रोल भी मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे और पॉइंट कर लेना है उसी अकाउंट से, उस जिससे आपको यहाँ पे एक दो NFT ये वाली मिल जाए जो आप मार्केट प्लेस में नेक्स्ट टाइम सेल कर पाओ। ठीक है, मतलब आपको तीन चीज़ लेनी है, पहले तो बेक करके मेन NFT लेनी है, उसके डिस्कॉर्ड रोल लेना है, उसके दोबारा आपको दो पाँच NFT एक दो NFT ये वाली लेनी है जो यहाँ पे इनक्रीडेंस है ये वाली। ठीक है, उसके मिलने के बाद आपका एक काम होगा कमाई, उसके दूसरे अकाउंट से करना स्टार्ट कर देना, पहली सिंपल बात है। ठीक है, आपको इसमें कोई झंझट नहीं, आपको मैंने बता दिया मेन काम ये है, अच्छे खासे अमाउंट के टोकन मिलेंगे, रिवार्ड मिलेगा, NFT मिलेगी, सेल कर सकते हो, इसलिए मैंने फर्स्ट पर रखा है इसको। अब आती है फर्स्ट के सेकंड की बारी, बस यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा नहीं ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी स्टिल बीटा है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ठीक है, अब आती है फर्स्ट के सेकंड की बारी भाइयों, फर्स्ट का सेकंड आ रहा है जो आ रहा है यहाँ पे CR नेटवर्क तरफ से। ऑलरेडी मैं आपको कम से कम इसको फोर्थ टाइम बता रहा हूँ, मिनिमम फोर्थ टाइम। ठीक है, जो मैं आपको दो से पाँच बार बताता हूँ समझ लिया करो भैया, अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। और शायद मैं लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं लास्ट सेकंड बताया था। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गया वो नहीं बताया आपको मैंने। ठीक है, तो आप ये वाला टास्क कर लेना, इसके ये जो यहाँ पे इनका थ्रेड दे रखा है, थ्रेड दे रखा है, उसको टास्क करना सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, वेबसाइट में जाना। ऑलरेडी यदि नहीं पता, मैंने ऑलरेडी लास्ट सेकंड वीडियो में बता रखा है आपको, वो वाली वीडियो देख लेना मेरी, आपको मैंने इससे अच्छा बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या जाती है बताता हूँ, मेन चीज़ यह आ जाती है कि आपको मैंने फॉर्म फिल नहीं करवाया था। फॉर्म कैसे फिल करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना, जो यहाँ पे सिक्स थ्रेड एट्थ थ्रेड दे रखा है ना इनका, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करें, इस वाले पेज पर आ जाओगे। ठीक है, अब इन्होंने बोल रहा है इन ऑर्डर टू क्लेम टेस्टनेट टोकन रिवार्ड आपको यहाँ पे KYC करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे KYC का छोड़ो, भी अभी जितने अकाउंट से आप करना है, दो पांच अकाउंट से वो यहाँ पे कर लेना, बाद में देखा करो जो काम होता है, पहले आप दो पांच अकाउंट से कर लिया करो, बाद की बात देखी जाए। क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि मल्टीपल अकाउंट से मत करो, मत करो, मत करो, 90% जब भी लोग करते हैं और प्लस उनका पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले नेम डालना है, ईमेल डालना है, डिस्कॉर्ड हैंडल डालना है, उसके यहाँ पे डिस्कॉर्ड हैंडल डालने के बाद Act 3 आपको यहाँ पे शायद ये Activity 2 चल रही है, तो यहाँ पे करना है Activity 2, उसके मैं आपको बताऊंगा और आगे लिखना है। उससे पहले यहाँ पे बोलना है प्रूफ ऑफ कंप्लीशन में आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैश डालनी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हैश कहाँ से मिलेगी वो बताता हूँ। सबसे पहले आप यदि कोई ट्रेड करोगे या कुछ करोगे, ट्रेड करने के बाद यहाँ पे आपकी वो आएगी, जैसे कि आपने अपन का ब्रिज करा या मार्केट में गए, उसमें मार्केट में लगा दिया लिमिट या मार्केट से कर दिया ऑर्डर, तो आप सबसे पहले ब्रिज करा, तो ब्रिज करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रिज करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी आती है ना, व्यू ऑन एक्सप्लोर है, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपकी आएगी हैज, ट्रांजैक्शन हैज, उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना पूरे के पूरे, जो यहाँ पे 0x स्टार्ट होती है और जो ट्रांजैक्शन हैज है और जो आपको फॉर्म में ये वाला ट्रांजैक्शन है जो कॉपी करवाया वो यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, फिल करने के बाद अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ कंप्लीशन में क्या डालना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। प्रूफ ऑफ कंप्लीशन में उनको ये पता लगना चाहिए कि आपने अपने अकाउंट से करा या नहीं करा। तो आप पता कैसे लगेगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, आपको जाना है दोबारा अपने Kepler में, Kepler में जाने के बाद आपको यहाँ पे Kepler ओपन करना है और साइन नेटवर्क ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर अपने वॉलेट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, अटैच करने के बाद आपका यहाँ पे काम हो गया ख़त्म और यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं करने। उसके अब आती है मेन चीज़ कि यहाँ पे क्या डालना है। ठीक है, एक कंप्लीशन मिशन में आपको बताता हूँ क्या डालना है, क्योंकि ये Activity 2 चल रही है, Activity 2 चलने में Activity 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पहले तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखाना है Activity 2 और यहाँ पे ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज यदि आपने ब्रिज करा है और आपको यहाँ पे ब्रिज का यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैश डालनी है। ठीक है, यदि आप मार्केट ऑर्डर कर रहे हो और मार्केट ऑर्डर के ट्रांजैक्शन है तो मार्केट ऑर्डर के यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैश डालनी है। कहीं आप ब्रिज कर रहे हो और मार्केट हैश की ट्रांजैक्शन आपने वो डाल दी ट्रांजैक्शन आईडी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यदि आप ब्रिज कर रहे हो तो ब्रिज के यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैश डालनी है, यदि आप मार्केट ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ मार्केट ऑर्डर लानी है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, कहने का मतलब ये आपको यहाँ पे 3 से 4 बार फॉर्म फिल करना है। सब डिटेल्स तो सेम आएंगी, बस चेंजेस कहाँ पे आएगा, चेंजेस यहाँ पे आएगा, Activity 2 ब्रिज, उसका ट्रांजेक्शन है Activity 2, इसके बाद यहाँ पे मार्केट, उसका ट्रांजेक्शन है Activity 2, उसके बाद लिमिट, उसके मार्केट हैज, उसके बाद यहाँ पे बस आपको यहाँ पे 3 से 4 बार यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है। कैसे कैसे करना है बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ब्रिज कर लेना, ब्रिज का यहाँ पे पता ही लगा दिया मैंने कैसे मिलेगा ब्रिज का। सबसे पहले आपको देखो बताता हूँ, आपसे नीचे नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे ब्रिज का यहाँ पे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके मार्केट में जाना, मार्केट में लिमिट ऑर्डर आ देना, उसके यहाँ पे दोबारा आपके यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सप्लोर आएगा उसमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैज कर लेना कॉपी और कर देना पे, उसके दोबारा लिमिट ऑर्डर लगाना, उसके ट्रांजेक्शन हैज आएगी उसको कॉपी करना, उसके यहाँ पे पेस्ट कर देना, मतलब 3 से
चार बार आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, जो भी यहाँ पे आप टास्क करते हो उस हिसाब से, ठीक है। बस सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करना है जब भी आपको यहाँ पे टोकन मिलेंगे रिवार्ड के रूप में, जब इसका मेन नेट यहाँ पे लॉन्च होता है, ठीक है। अब आती है यहाँ पे सेकंड एयर ड्रॉप की बारी भाइयों। सेकंड के फर्स्ट आ रहा है जो आ रहा है पिक्सी की तरफ से, ऑलरेडी मैं आपको कम से कम ये थर्ड टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं 5-6 महीने पहले बता चुका, बहुत सारे लूँगा 10,000, 20,000, 50,000, किसी के साथ तो 1,30,000 टोकन पड़े हैं, तो भाई प्रूफ तो आपको मैं भर भर के बाद में दूंगा जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, अभी मैं पहले नहीं दूंगा, ठीक है। कहीं आप पहले कर लो, पहले मौज कर लो, बाद में भाई लिस्टिंग प्राइस ही बहुत कम हुई, ठीक है। अभी यहाँ पे पता नहीं है कूपन पर लिस्टेड हुआ तो भाई बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपका होने वाला है, ठीक है। जितने आपके पास टोकन करना है कर लो, विड्रॉ मार दो मेटामास्क में, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि एट दी एंड 15-20 अगस्त सेप्टेम्बर को विड्रॉ नहीं होगा, हो जाएगा तो विड्रॉ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो पहले विड्रॉ कर लो, ऑलरेडी उस दिन बता दिया था मैंने 4-5 महीने पहले कि जैसे टोकन आते हैं वैसे विड्रॉ मार दो मेटामास्क में, जो यहाँ पे सेफ चीज़ है जिससे आप यहाँ पे कुकॉन में डिपॉजिट कर सकते हो जो भी यहाँ पे एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। अब यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ वो सुन लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट कर लेना है लॉगिन, यदि लॉगिन नहीं है तो साइनअप करना, यदि आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट करना है, यदि अपडेट भी नहीं है तो, अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बाय करने का, तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा फ्री लिमिटेड टाइम एनएफटी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्री पे क्लिक करो, अपना जो आपने स्टार्टिंग पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डालो, उसे कन्फर्म पे क्लिक करो, आपको फ्री में ये वाली एनएफटी मिल जाएगी जिसको आप फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही कितना यही कहना था। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे ओल्ड यूज़र हैं 4-5 मंथ पुराने हैं, जिस टाइम मैंने इस ऐप को बताया था, तो आप चेक करना है एनएफटी सेक्शन में जाके, आपको बहुत सारे एनएफटी, 1 या 2 एनएफटी मिली होगी। इसके अलावा जो मैं बाय कर रहा हूँ उसके अलावा भी आपको 1 से 2 एनएफटी मिली होगी, चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे यहाँ पे पढ़ोगे ना, आपको मैं बताता हूँ एनएफटी सेक्शन में यहाँ पे कहीं पे लिख रहा है, मैं बताता हूँ एक बार। जैसे कि आप क्रेडिट 1.0 पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा अर्ली बैज एनएफटी, ठीक है। अर्ली बैज एनएफटी पे क्लिक करना, अर्ली वर्ड बैज एनएफटी पे क्लिक करना, उसके यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पहले पॉइंट से भी क्या क्या इन्होंने ले रखा है, जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने स्नैपशॉट लिया था 6 को, ठीक है। और यहाँ पे आप जिन्होंने यहाँ पे करा था पहले भी यहाँ पे बहुत सारे टास्क करे थे, अपलोड करे थे फोटो वोटो एनएफटी अपलोड करे, तो उनको यहाँ पे फ्री में 1 से 2 एनएफटी मिल गई होगी। यदि नहीं मिली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया फ्री में एनएफटी ग्रैब कर लेना ये वाली, और आप कुछ नहीं करना, और यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर देना यदि आप अब भी न्यू यूज़र हो तो, ठीक है। वैसे कब अब अर्निंग बहुत कम हो रही होगी, बहुत कम हो रही होगी क्या, बहुत कम हो रही है पहले से मुताबिक, क्योंकि यार पहले आपको पता है स्टिल भाई बहुत अर्ली में बताया था मैंने आपको, अब तो भैया सब बायल जगह हो गया, सब जगह बायल हो गया, ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन ट्राई कर लेना, होती जितने भी 200, 500, 1,000, 2,000 टोकन होते हैं कल के विड्रॉ मार देना बस अपने मेटामास में, ठीक है। अब आती है यहाँ पे सेकंड के सेकंड की बारी, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कमेंट करना कि आपको ऑटोमेटिक ट्रिक चाहिए नहीं चाहिए, जिससे आपको यहाँ पे बॉन्ड एक्सपाई ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, जिससे आप कभी कभी याद नहीं रहता ना, उनको कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कुछ दस्त लग जाते हैं, मतलब मज़े ले रहा हूँ, मतलब कुछ कभी भी याद नहीं रहता, तो इसलिए आपको मैं रिमाइंडर दिला देगा, वो अपना रिमाइंडर नहीं दिलाएगा, वो अपने आप ही ऐप को ओपन करवा देगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑटोमेट, ठीक है। ऑटोमेट डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना, उसके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना, ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको चाहिए ऐप स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप स्टार्ट पे क्लिक करना, ऐप स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पिक एक्टिविटी पे क्लिक करना है, पिक एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या ओपन करना है, देखो हमको करना है बॉन्डेक्स ओपन, तो मैं बी से बॉन्डेक्स चालू कर लेता हूँ पहले, तो बॉन्डेक्स सेट कर लेता हूँ, ऐसे यहाँ मेरा बॉन्डेक्स है नहीं है, ये मेरा बॉन्डेक्स मिलेगा, ठीक है। बॉन्डेक्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी मेन एक्टिविटी सेलेक्ट, ठीक है। मेन एक्टिविटी सेलेक्ट आप कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर डालो, उसके दोबारा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, उसके यहाँ पे डिले पे क्लिक करो, डिले पे क्लिक करने के बाद आप कब इसको मतलब चालू करना चाहते हो ऐप को, यहाँ पे डिले पे क्लिक करो, उसके बाद ओके पे क्लिक करो डिले पे, उसके यहाँ पे आप कब चालू करना चाहते हो, जैसे मैं चालू करना चाहता हूँ 23 घंटे बाद, यहाँ पे 23 लिखो, उसके बाद 0000, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद अभी चलो मैं आपको दिखाने के चक्कर में इसको मैं कर लेता हूँ 30 सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है। 30 चलो मैं 10 सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पे इसको मैच करता हूँ, इसको यहाँ से मैच करता हूँ, इसको यहाँ से मैच करता हूँ, ठीक है। और मेरा यहाँ पे हो गया सब चीज़ काम कंप्लीट, ठीक है। उसके इसको बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे आप कर देता हूँ इसको, इन दोनों कंडीशन को कर लेता हूँ मैं इनको
टिक कर देता हूँ, जिससे मेरा यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, और यदि मैं ऐप को काट दूँ तो मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड में चलता रहे। तो यहाँ पे आपको इसको जो यहाँ पे क्या नाम है इस ऐप का ऑटोमेट, इस ऑटोमेट को यहाँ पे मैं डिस्प्ले ऊपर अदर ऐप पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो सके। ठीक है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ पहले। तो जैसे कि हो गया, उसके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक हर 30 सेकंड में ये ऐप ओपन होता जाएगा। ठीक है, यदि आपका मोबाइल ऑफ है ना, तो मोबाइल ऑफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी आप ऑन कर दो तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया जाएगा कि भाई आपको यहाँ पे ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट की ट्रिक हो गई। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये 10-10 सेकंड में, हर 10-10 सेकंड में ओपन करेगा, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे 10 सेकंड नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कितने सेकंड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बता देता हूँ। पहले तो अनटाइटल्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पे सेस पे क्लिक करता हूँ, उसके मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 10 सेकंड की जगह 24 घंटे। ठीक है, थोड़ी 23 घंटे कर देता हूँ, ठीक, जिससे मैं यहाँ पे हर 23 घंटे में यहाँ पे हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे फाइल को सेव करनी, तो आप फाइल को सेव भी कर सकते हो। इस डॉट पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखना है ये वाला, इस पे क्लिक करना, उसके बाद इसको सेव कर दो बॉन्डेक्स के नाम से। यदि आपके पास क्लोन बन रहा है तो बॉन्डेक्स 1 लिखो, बॉन्डेक्स 2 लिखो, किसी को 23 घंटे 10 लिखो, किसी को 23 घंटे 2 मिनट लिखो, किसी को 23 घंटे 15 मिनट लिखो, ऐसे करके आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आप हर को ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे मेरा ऑन हो जाए। उसके ये आपका यहाँ पे यदि आप कार्ट भी दोगे ना इस ऐप को ऑटोमेट को, तो ऑटोमेटिक ये आपका चलता रहेगा, क्योंकि आपने डिस्प्ले ओवर दी ऐप्स कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। और यदि आप कोई और भी ऑप चलाना हो, तो पहले इस प्लस पे क्लिक करो, इस पे गो पे क्लिक, गो पे क्या प्लस पे दोबारा क्लिक करो, उसके ऐप सेलेक्ट करो, उसके पाई चलाना, तो सेम टू सेम मेन एक्टिविटी लोग सेलेक्ट करना, उसके सेम टू सेम फंक्शन आप चाहो तो 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, एक बार में सारे ऐप आपके ओपन हो जाएंगे। तो बस इसी बात पर लाइक कर देना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐप आपका ओपन कर रहा है, आपको रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक और ऐसा लोग बताऊँगा जिससे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐप ओपन भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक माइन भी स्टार्ट कर देगा, प्लस यहाँ पे ऐप को काट भी देगा। वो मैं ट्रिक सोच रहा हूँ, अभी तो जितनी है वो यहाँ पे कर लो। ठीक है, अच्छे लाइक आ गए तो मैं वो वाली ट्रिक भी यहाँ पे मैं 2-5 दिन बाद बता दूंगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपका, लेना 10-20 बॉन्डेक्स हैं, 2-5 पाई हैं, तो सबको यहाँ पे आप एक बार में ऐड कर सकते हो अलग अलग नेम से, पाई 1 पाई 2 पाई 3, जो मैंने आपका नेम सेव करवाया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे थर्ड एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों, थर्ड में आपको मैं 2 एयरड्रॉप बता रहा हूँ। सबसे पहले गेट की तरफ से आ रहा है, जिसमें यहाँ पे कर रहे हैं $1,00,000 का प्राइज रखा गया है। अब यहाँ पे ये 1,00,000 ड्रॉप पूल नहीं है, मतलब स्पॉट में नहीं है, वो कैसे मिलेगा बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो कंप्लीट दी क्यू सब्सक्राइब एंड बिन पर क्लिक करना, जो फर्स्ट ज्वाइन नाउ gate.io वाला आर्टिकल, उस पर क्लिक करना, उसके इस वाले पेज पे आ जाओगे। इस वाले पेज पे आने के यहाँ पे सबसे डेट से आप पढ़ सकते हो, Activity 1 मेन है, Activity 2 बेकार है, Activity 3 बेकार है। Activity 1 में क्या करना पड़ेगा, जो भी यूजर यहाँ पे करेगा, हर बंदे को साफ साफ बोला गया है, हर बंदे को यहाँ पे 1,000 USDT टेस्ट मिलेंगे, जिसको आप यहाँ पे लगा के स्टेकिंग पे, जिससे आप डेली मुनाफा कमा सकते हो, और इजीली आपका 3 से 5 लाख का प्रॉफिट आपका पर अकाउंट हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको मैं आंसर टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, आंसर वीडियो डालने के फाइंड करने के बाद। यदि आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करने खुद से तो कर देना, क्योंकि ये आज तक है, आज पता नहीं कब तक है, 5:30 बजे तक है या रात तक है, ठीक है, ये नहीं पता मुझे, क्योंकि 2 घंटे बाद यहाँ पे मैं मतलब इंस्टेंट मैं आपको आंसर दे दूंगा फाइंड करके 10-20 मिनट में। यदि आप खुद आंसर फाइंड करते हो तो वही बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको यहाँ पे 3 से 5 रुपये मिल जाए। उसके आंसर क्वेश्चन पे क्लिक करना, आंसर क्वेश्चन पे क्लिक करना, यहाँ पे सबसे पहले गेट की आईडी डालनी है, जो इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको यहाँ पे टोकन मिलेंगे, अपने प्रोफाइल में जाकर गेट की आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार देना, उसके 3 से 5 क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिल कर देना, उसके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर डालना, आपका काम हो गया खत्म, और कुछ नहीं करना। आपको आंसर टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, अब आती यहाँ पे जो आ रहा थर्ड के सेकंड जो आ रहा है पॉल का पैड्स की तरफ से, साफ साफ बोला गया फ्री मैनेटी दे रहे हैं। कैसे कैसे दे रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म पेज ओपन होगा, फॉर्म पेज ओपन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, उसके यहाँ पे कैप्चा पूछ जाएगा 7+2 कितने होते हैं, ये 9 होते हैं, ओके पे क्लिक करना, उसके अपना नाम पूछ जाएगा, तो यहाँ पे नाम डालता हूँ राजू गुप्ता, अब मेरा नाम नहीं है। ठीक है, उसके यहाँ पे राजू गुप्ता, उसके ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, उसके यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पे पूछा भैया फॉर अस टू वाइट लिस्ट यू टू क्लेम योर पॉलीगॉन पैड, एंटर योर पॉलीगॉन इथेरियम एड्रेस बिलो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको EVM का एड्रेस डालना है, मेटामास्क का डालना है, उसके सबमिट पे क्लिक कर डालो, आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। उसके 2-3 चीज़ पूछेगा तो डाल देना, डिस्कॉर्ड आईडी कुछ पूछता है तो, और यहाँ पे आपको फ्री में NFT दे दी जाएगी, जिसका यहाँ पे बहुत अच्छा यूज केस होने वाला है। ठीक है, मिस मत कर देना। अब आती है यहाँ पे फोर्थ एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों, फोर्थ के फर्स्ट में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है नज़ारे सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, नज़ारे फाइनेंस। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे दे रखे हैं,
अब यहाँ पे सिक्स थ्रेड में आप जाओगे तो यहाँ पे बोल रखा है नजारे इज बुल्ट बाय गोब्लिन गोल्ड फाय एंड हैज लेव्स विद द सपोर्ट ऑफ ऑर्का एंड सोलेंट प्रोटोकॉल। अब नीचे करके रखे फॉलो अस एंड ज्वाइन अवर डिस्कॉर्ड टू स्टे अप टू डेट ऑन द लॉन्च एंड क्लेम योर ओजी रोल एंड वाइट लिस्ट फॉर अ स्पेशल रिवार्ड। साफ साफ इन्होंने बोल रखा है स्पेशल रिवार्ड, तो यहाँ पे कोई मिंटिंग मिंटिंग का कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा आप, कुछ ना कुछ यहाँ पे एयर ड्रॉप नहीं तो कुछ ना कुछ रिवार्ड आपको देंगे मतलब इसके टोकन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके डिस्कॉर्ड में जाना है, उसके जो भी यहाँ पे टास्क दे रखे हैं सोशल मीडिया के या लेवल अप के या रेफर फ्रेंड के या कम्युनिटी की हेल्प करके या एडमिन के यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करके तो वो कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ फ्री में ओजी या वाइट लिस्ट स्पॉट मिल जाएगा फॉर अ स्पेशल रिवार्ड, ठीक है। बस इसलिए मैं इसको फोर्थ पे नहीं मतलब फर्स्ट पे इसलिए दे सकता क्योंकि भैया फर्स्ट पे और भी एयर ड्रॉप है, तो भाई फोकस करना बस, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ के सेकंड की बारी जो आ रहा है हेल्थ ब्लॉक्स का बग, ठीक है। एक बंदे ने मुझे बताया, पता नहीं आपके वर्क करेगा नहीं करेगा, मैंने ट्राई नहीं करा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐप को करना पड़ेगा डाउनलोड, उसका साइनअप करना पड़ेगा, साइनअप की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ बग सुन लो, बग क्या है, पहले तो यहाँ वीडियो देखो, ठीक है। इस बंदे ने मुझे वीडियो भेजी है, कुशाल नाम है इस बंदे का, थैंक्स बोल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ देखता हूँ क्या देखो क्या कर रहा है ये बंदा, ठीक है। सबसे पहले आपको वॉलेट पे क्लिक करा, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद बैक आ गया, उसके आप यहाँ पे 10 टोकन बढ़ गए, दोबारा वॉलेट पे क्लिक करा, उसके फिर दोबारा बैक करा, उसके 10 टोकन और बढ़ गए। तो मतलब ऐसे कर करके आप अनलिमिटेड टोकन आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। जितने आप टोकन अर्न करना चाहते हो उतने टोकन आप कर सकते हो, बस वॉलेट पे क्लिक करो, थोड़ा 2 से 5 सेकंड रुको, उसके बाद हमें बैक आ जाओ। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको 1470 से 2-10-20 टोकन यहाँ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही बग है, आप ट्राई करना, आपके बग वर्क करा तो ठीक है, क्योंकि इसमें यदि आप सेंड का ऑप्शन होता तो भाई मज़ा आ जाता कसम से, क्योंकि सेंड कर सकते हैं ना किसी बोर्ड में तो भाई फिर वो वापस नहीं ले सकता था, ठीक है। लेकिन अभी सेंड का ऑप्शन आया नहीं है क्योंकि मेन नेट नहीं आया इसलिए। तो अभी बग ज़्यादा ट्राई मत करना, थोड़े बहुत टोकन कर लेना बग से, और बग ओनली उसी अकाउंट में ट्राई करना जो मतलब आपका यहाँ जिसमें ज़्यादा टोकन कलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है। यदि आपने जीनियन वर्क कराए तो वो वाला मतलब वो वाला डिवाइस यूज़ मत करना, आपको यहाँ पर नया डिवाइस में ये वाला बग यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। कहीं आपको यहाँ पर बग के चक्कर में जो जीनियन रिवार्ड आपने अर्न किया है वो भी यहाँ पर चला जाए, ठीक है। तो ये पहले ही बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आती लास्ट एयर ड्रॉप की बारी जिसका नाम है फिफ्थ। जैसे कि भाइयों मैंने आपको लास्ट वीडियो में जंप डीफाई का यहाँ पे टेस्ट नेट बताया था, और जिसने भी यहाँ फॉर्म फिल करा था उसका जो भी यहाँ पे आपका नियर का बॉलेट एड्रेस आता है टेस्ट नेट का, तो आप अपने नियर वाले बॉलेट एड्रेस में जाना और यहाँ पे चेक करना, आपको यहाँ पे 10 टोकन यहाँ पे मिले होंगे टेस्ट नेट के, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है। अब कैसे कैसे करना है, जिसने नहीं करा अगेन बता रहा हूँ उनके लिए, न्यू यूज़र के लिए सबसे पहले आपको ये लिंक दूंगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस वाले पेज पर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये वाला 2 फॉर्म और ओपन करना है। सबसे पहले ये वाला फॉर्म और ओपन करना है और ये वाला फॉर्म और ओपन करना है, मतलब कहने का मतलब आपका 3 फॉर्म है, ठीक है। 2 फॉर्म ये फिल कर देना, सेम टू सेम जो ये वाला फॉर्म फिल करवा रहा हूँ सेम टू सेम उस जैसा होगा, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फीडबैक देना है, थोड़े बहुत सर्वे देने और अपने हिसाब से मनपसंद चीज़ बतानी है, भैया क्या फंक्शन आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, क्या बुराई है, बस आप समझ जाओगे। बहुत सारे लोग यार ओल्ड यूजर हैं तो पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फॉर्म फिल कर दोगे, तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है, अपने डिस्कॉर्ड आईडी डालना, उसके अपना नियर का वॉलेट आईडी डालना जो आपकी मेन नेट की है, जैसे मेरी मेन नेट की है gautamgg.near, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट नेट की डालना, टेस्ट नेट कहाँ से मिलेगी, जो यहाँ पे ये लिंक है ना ये वाली, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मेन नेट कहाँ से मिलेगी, मेन नेट की है wallet.near.org कुछ ऐसी यहाँ पे URL है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगी, बस यहाँ पे टेस्ट नेट पर टेस्ट नेट लिखा रहेगा और यहाँ पे मेन नेट में wallet.near.org है, ठीक है। टेस्ट नेट को हटा देना बस, ठीक है। उसके बाद आपका यदि अकाउंट नहीं बन रहा नियर वॉलेट में तो अकाउंट बना लेना, उसके फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है। एड्रेस, ठीक है, जो यहाँ पर आपके नेम से हो सकता है, नहीं तो फिर आपके यहाँ पे अलग से हो सकता है नियर के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके यहाँ पे टेस्ट नेट टोकन आ जाएंगे। आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक टेस्ट नेट लिंक दूंगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। कनेक्टिव बोर्ड पर क्लिक करना, इसको पहले डेस्कटॉप मोड पर कर लेना यदि आपका सही कनेक्ट नहीं हो रहा है तो। उसके यहाँ पर आप राइट कॉर्नर कनेक्ट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पर नियर बोर्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद मैंने अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अकाउंट ऐड नहीं है तो मेरे यहाँ पे इसलिए क्रिएट अकाउंट और इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद अब क्या काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपका सपोज करो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे
तीन मतलब बहुत सारे फंक्शन है, लॉन्च पैड स्टेकिंग, एनएफटी स्टेकिंग, मतलब दुनिया भर के अच्छा छः सात हैं। तो यहाँ पर आपको दो से तीन फंक्शन वर्क कर रहे हैं। एक तो स्टेकिंग पे क्लिक करना है, स्टेकिंग क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्टेक कर देना है। ऐसे 10 टोकन आपको मिलेंगे, 10 टोकन में से 2 से 5 टोकन आपको स्टेक कर देना है। पहला स्टेप ये हो गया आपका। सेकंड स्टेप ये हो गया आपको, यहाँ पर बेस स्टेकिंग में आना है। बेस स्टेकिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक और काम करना है, यहाँ पर आपको क्लेम टोकन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्लेम टोकन पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 से 3 टास्क और यदि करना चाहते हो कर लो, नहीं तो मेन टास्क अभी यही है, स्टेकिंग और बेस स्टेकिंग है, ठीक है। और अभी यहाँ पर स्वैप का फंक्शन अभी यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपकमिंग है, कोई भी यहाँ पर बटन पर क्लिक नहीं होगा। और एनएफटी स्टेकिंग पे शायद करोगे तो ये भी शायद नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेना एनएफटी स्टेकिंग का, वैसे स्टेक कैसे करोगे क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट नेट यहाँ पे कोई भी एनएफटी नहीं मिली है। तो यहाँ पे आपको दो ही फंक्शन करना है, स्टेकिंग वाला और यहाँ पे बेस स्टेकिंग वाला। जितने टास्क आपके हो सकते हो, जितने ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो उतने ट्रांजेक्शन कर लो, बस आपको यहाँ पर काम खत्म हो गया और ज़्यादा काम नहीं करना। अब आते हैं यहाँ पर लास्ट 5th के 2nd की बारी, जो आ रहा है इट्स रेयर की तरफ से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग कैंपेन, अपकमिंग एयर ड्रॉप, जिन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भैया एप्टोस के ऊपर आएगी और भाई नंबर 1 ब्लॉकचेन, नंबर 1 एनएफटी का वो होने वाला है मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आप मीडियम वाला आर्टिकल वाला पेज पढ़ोगे तो उसके क्या लिख रहे नीचे नीचे, जो भी यहाँ पे टास्क करेगा उसको यहाँ पे फ्री में आपको यहाँ पॉप एनएफटी दी जाएगी, और पॉप एनएफटी को आप मेन नेट में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्री एनएफटी में, रेयर नेटिव फ्री एनएफटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपकमिंग में जैसे आता है मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मुझे अपकमिंग बताना था, जैसे आता आप भी याद रखना, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इनके यहाँ पे फॉलोअर 1000 की समथिंग है, ठीक है। तो बस इतना ही है, बस इस वीडियो में था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, लाइक का टारगेट है इस वाली वीडियो में 18+, तो यहाँ पे कर देना क्योंकि इतने अच्छे से लूट बताते हो, इतने अच्छे से एयर ड्रॉप बताते हो, लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।